क्लीनिंग हुआ है घर का, तो आज ज़्यादा कुछ खाना नहीं बनेगा, इसलिए मैंने ये, मेरे पास ये सुहाना का तवा फ्राई मिक्स है, मैं इंडिया से लेके आई थी, तो इसमें मैं ये पूरा वेजिटेबल डाल के आज हम लोग रैप बना के खाने वाले हैं, क्योंकि मैं पूरा दिन क्लीनिंग कर रही थी इसलिए अभी टायर्ड हो गई हूँ, तो मैं खाना नहीं बनाऊँगी, खाली रैप खाएंगे हम लोग। और मैंने ये पूरे सब क्लीन किया है, तो ये जो एंटीसेप्टिक वाइप्स होते हैं ये बहुत इजी पड़ते हैं क्लीनिंग के लिए, इसके अंदर पूरा दिख जाए, जैसे बेबी वाइप्स होते हैं वैसे ये एंटीसेप्टिक वाइप्स होते हैं, तो बहुत इजी है, ये गीले भी रहते हैं, तो खाली ले लो, पूरा क्लीन करो, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, पूरा क्लीन हो जाता है और सेफ है, कोई केमिकल नहीं कुछ नहीं, तो बच्चों के लिए भी बहुत सेफ रहता है, तो ये हमेशा का मेरा क्लीनिंग है, इसलिए मेरा किचन हमेशा क्लीन रहता है। और जो ये बहुत पसंद है, तो ये मैंने वाइप से ही क्लीन किया है, कर्टन चेंज किए हैं पूरे, अंदर के कर्टन भी पूरे चेंज किए हैं, ये एक क्लॉक है इंडिया से लेके आई थी, बहुत अच्छा है, शू गुलाब का है ये, मुझे बहुत पसंद आया था इसलिए मैंने लिया था, ये भी मैं और एक लेके आई, तो ये सब हमेशा क्लीनिंग चालू ही रहता है, इसलिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये वॉलपेपर है, वॉलपेपर तो ऐसे ही क्लीन हो जाता है, अगर सूखे कपड़े से करेंगे तो भी क्लीन हो जाता है, यहाँ पे ज़्यादा डस्ट नहीं आती है। और ये सब फैमिली की फ्रेंड्स वगैरह है वो भी सब क्लीन हुई है, तो ये मैं पूरा 4-5 घंटे मेरा चालू था काम। अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं, ऊपर बेडरूम है, तो देखते हैं। मेरी बेटी का बेडरूम है, उसने पूरा क्लीन किया, अकेली ने किया है पूरा क्लीन, ब्यूटीफुल बात। ये उसका छोटा सा सोफा है, जैसे कि उसके कभी फ्रेंड्स आते हैं, तो ये पूरा बेडरूम उसका अकेली का है, तो अपना वार्डरोब भी उसने मस्त लगाया है, एकदम पूरा अप टू डेट है बड़ा। तो ये जो सब मेरी बेटी ने ही किया है, तो मुझे कुछ टेंशन नहीं है उसके रूम का। हम लोग का बेडरूम मैंने क्लीन किया है, हमारे पापा का ऑफिस भी क्लीन हो गया है पूरा, बाजू में ही ये फैमिली बाथरूम है, फैमिली बाथरूम में बाथटब होता है, इसके अंदर टॉयलेट होता है, वॉश बेसिन होता है, तो यहाँ पे जो भी शैम्पू वगैरह वो जो लगता है तो मैंने यहाँ पे रखा है, बच्चों के टॉयज है खेलने के, ये जो फोम आता है वो है पानी में डाल के फिर बैठने का, और यहाँ पे पीछे कपबोर्ड है, यहाँ पे पीछे कपबोर्ड है, तो इसके अंदर ये जो टॉवल लगते हैं तो वो पूरा टॉवल मैंने फोल्ड करके ऐसे गोल गोल करके रखा है, नीचे सब फेस पैक, सब क्लींजिंग, सब शैम्पू वो सब रखा है मैंने, और नीचे जो है वो हेयर ड्रायर है, अभी ये मेरा रैप का भी काम चालू है, मैं अभी फटाफट रैप की जो रोटी होती है वो बना के लेता हूँ, तो मैं इसमें व्हीट फ्लोर डालूंगी, 1 कप व्हीट फ्लोर, और फिर प्लेन फ्लोर भी डालने वाली हूँ, और 1/2 कप प्लेन फ्लोर डालूंगी। ओके डू इट, अभी पनीर पूरे रेडी है, तो मैं पनीर निकाल के लेती हूँ, फिर इसके अंदर ये कैरेट, और फिर ग्रीन पेपर, शिमला मिर्च बोलते हैं वो, ये रेड पेपर है, लाल मिर्च और येलो पेपर, तो ये सब फ्राई करके ले लूँगी मैं, ये नॉन स्टिक है इसलिए ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है, और फिर मेरे पास यहाँ पे मशरूम है, इन्हें अच्छे से क्लीन किए, वो मैं फ्राई करके अच्छे से ले लूँगी, क्योंकि मशरूम पकने चाहिए,
बाकी सब तो हम लोग ऐसे भी सैलड बना के खा सकते हैं, तो अच्छे से फ्राई करके लेते हैं। ये फ्राई हो रहा है तब तक मैं आटा करके लेती हूँ। वेजिटेबल ज़्यादा फ्राई करना नहीं है क्योंकि फिर उसका जो क्रंची है वो निकल जाएगा क्रंच। तो अभी मैं इसके अंदर ये पनीर डालूंगी। पनीर के चाहिए तो आप छोटे 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 भी टुकड़े कर सकते हो। हम लोग कभी कभी ऐसे भी खाते हैं चाट मसाला डाल के, बहुत हेल्दी होता है। तो ये जो सुहाना का मैं मसाला लेके आई थी, सुहाने के प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इसका बिरयानी मसाला भी बहुत अच्छा लगता है और मंचूरियन का भी है, तो मुझे अच्छा लगता है सुहाना का। तो हमारे यहाँ पे सुहाना का मसाला नहीं मिलता है, पता नहीं क्यों, पहले आते थे अभी नहीं आते। तो ये मैं इंडिया से अभी गई थी तो मैं लेके आई हूँ। तो इसमें पूरा इंस्ट्रक्शंस है, जैसे कि कैरेट ले लो, बेबी कॉर्न, ग्रीन बेल पेपर, ये सब उसके अंदर डालना है। और पूरा इंस्ट्रक्शन है, फ्राइंग पैन में ऑयल डाल के खाली सब वेजिटेबल्स फ्राई करना है। और ये जो मसाला है वो स्प्रिंकल करना है, जैसे कि चाट मसाला डालते हैं हम लोग, वैसे खाली स्प्रिंकल करना है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, वाह, पूरा फ्राई करके लेती हूँ। घर की पूरी क्लीनिंग हो गई है, अभी सिर्फ प्लेरूम बाकी है। तो प्लेरूम तो वो नेक्स्ट वीक, मुझे पूरा वीक हॉलीडे है क्योंकि स्कूल में हॉलीडे रहता है तो मेरा भी हॉलीडे रहता है। तो मैं नेक्स्ट वीक पूरा प्लेरूम क्लीन करूँगी, मेरी बेटी तो है ही मुझे हेल्प करने के लिए। तो अभी ये फिलिंग है अंदर का वो रेडी है, अभी मेरा आटा भी हो गया है। अभी मेरा रैप के लिए रोटी, फिलिंग्स, और यहाँ पे मैंने कुछ सॉस लिए, जैसे कि मैंने पेरी पेरी का सॉस लिया है मीडियम, तो इससे बहुत टेस्ट आती है। मेयोनेज है और हॉट भी लिया है मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए, और ओरेगानो है, ब्लैक पेपर और सी सॉल्ट और केचप। तो अभी मैं रैप बनाऊंगी, तो मैं पहले मेरे बेटी के लिए बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कैबेज लिया है, ऑनियन और टोमेटो। तो अभी पहले क्या करेंगे, यानी मैंने रोटी ली है, समय का किकड़ी है। तो अभी मैं पहले केचप लगाऊंगी, बच्चों को केचप बहुत पसंद होता है इसलिए पहले मैं केचप लगाऊंगी। मेयोनेज पाइजे तुला? मेयोनेज हाँ। तो कैबेज है, कैबेज खाना है ना? वेरी गुड। अभी ये जो फिलिंग मैंने बनाया है उसमें से पनीर ले लूंगी, थोड़े से वेजिटेबल्स भी जाना चाहिए पेट के अंदर क्योंकि फिर वो साइड में आते हैं, इसलिए वेजिटेबल्स डालूंगी, थोड़ा सा और पनीर। और इसके ऊपर आएगा ब्लैक पेपर, ओरेगानो उसको पसंद है इसलिए थोड़ा सा ही डालूंगी। टोमेटो और थोड़ा सा वापस केचप। मेयोनेज टाकू ना तुला? हाँ। मेयोनेज चाहिए उसको। ओके। और फिर अभी मैं उसको पैक करूंगी।
तो टिश्यू दे, पहले ऐसे फोल्ड करके, फिर ऐसे, और फिर ऐसे। गिव मी अ टिश्यू। ये हमारा हो गया रेडी। तो अभी मैं मेरी बेटी को दूंगी खाने के लिए। ये एक रेडी हो गया है। कैबेज, ये पेरी पेरी का सॉस। आप कौन सा भी सॉस यूज़ कर सकते हैं। ये मेरा लास्ट है। मैंने यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 और मेरे बच्चे खा रहे हैं वहाँ पे टेबल पे बैठ के। तो अभी मेरा अभी ये डिनर आज का फिनिश हो गया करके। चलिए अभी हम लोग एंजॉय करते हैं मस्त रैप के साथ। ये मेरा रैप अभी सब खाने के लिए पूरे रेडी है। सभी का गुड, ओके, टेस्टी, ओके। तो अभी हम लोग खाना खाते हैं। तो आई होप आपको ये मेरा बड़ा वाला ब्लॉग